ठीक आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ख्याल रखिएगा कि आवेश चार्ज के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो हम जानते हैं कि चार्ज के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है, यानी चार्ज के कारण ही विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चार्ज नहीं होगा तो विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा इसमें। तो अब बतलाया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश से विद्युतीय बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल या विद्युतीय बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। तो अभी आप सुने कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युतीय बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप जान गए कि विद्युतीय क्षेत्र आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब रहा कि विद्युतीय क्षेत्र को चेक करने के लिए हम परीक्षण आवेश लेते हैं। परीक्षण आवेश जिसे कहा जाता है टेस्ट चार्ज। तो विद्युतीय क्षेत्र को चेक करने के लिए परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लिया जाता है। जिस प्रकार विद्युत धारा को चेक करने के लिए हम टेस्टर लेते हैं। अगर बोर्ड में टेस्टर लगाया जाता है, अगर लाइट जलता है तो कहते हैं कि करंट विद्युत धारा फ्लो हो रहा है। यदि नहीं जलता है तो कहते हैं कि विद्युत धारा का फ्लो नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार विद्युत धारा को चेक करने के लिए टेस्टर लिया जाता है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो अब बताया जाएगा कि परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्या है। तो टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश का गुण पढ़ेंगे। परीक्षण आवेश का गुण, तो परीक्षण आवेश के गुण में आपको बतलाया जाएगा कि टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज ही स्मॉल चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज इज स्मॉल चार्ज। टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज होता है, छोटा चार्ज होता है। अब रहा दूसरा कि टेस्ट चार्ज अत्यंत छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज की कहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी टेस्ट चार्ज अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। हम टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाई क्यू नोट। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज ये स्मॉल चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। तो टेस्ट चार्ज के गुण में बताएं कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। टेस्ट चार्ज हैज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि टेस्ट चार्ज के कहा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अर्थात क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में जाने कि टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज है। टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज की कहा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। टेस्ट चार्ज किसी अन्य चार्ज पर, कोई दिया गया चार्ज अगर मान लीजिए क्यू है, तो टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज किसी अन्य चार्ज पर बल नहीं लगाता है, बल्कि अन्य चार्ज टेस्ट चार्ज पर बल लगाता है। तो इसमें क्यू नॉट क्या है, अभी सुने, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, और क्यू क्या है, दिया गया आवेश है। तो इस दिए गए आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है, इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इस टेस्ट चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। कोई पूछे कि इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता है,
तो कहिएगा कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज है, अतः यह अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है, परंतु अन्य चार्ज जो है वो अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो अन्य चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, परंतु टेस्ट चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है। अब रहा कि टेस्ट चार्ज दिए गए चार्ज पर बल नहीं लगाता है, बल्कि दिया गया चार्ज टेस्ट चार्ज पर बल लगाता है। तो अब कहिएगा कि टेस्ट चार्ज किसी भी चार्ज पर बल नहीं लगाता है, जबकि अन्य चार्ज टेस्ट चार्ज पर बल लगाता है। अब कोई कहे कि टेस्ट चार्ज क्या है, तो अभी सुने कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। जिस तरह अब टेस्टर इलेक्ट्रिक करंट को चेक करता है, उसी तरह टेस्ट चार्ज क्यू नोट इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। किसी चार्ज के चारों ओर इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रखते हैं। यदि क्यू नोट पर दिए गए चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टेस्ट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। आपको बताया गया है कि दिए गए आवेश द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टेस्ट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो अगर दिए गए आवेश के चारों ओर किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रखते हैं, तो यदि टेस्ट चार्ज क्यू नोट दिए गए आवेश द्वारा बल का अनुभव करता है, तो टेस्ट चार्ज विद्युतीय क्षेत्र में होता है। यदि टेस्ट चार्ज दिए गए आवेश द्वारा बल का अनुभव नहीं करता है, तो टेस्ट चार्ज विद्युतीय क्षेत्र के बाहर होता है। अर्थात टेस्ट जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। किसको चेक करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। कौन? तो टेस्ट चार्ज। तो आप जान गए कि टेस्ट चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति को बतलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो किसी चार्ज के चारों ओर टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज पर बल लगता है, तो दिए गए आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में टेस्ट चार्ज होता है। यदि टेस्ट चार्ज पर दिए गए आवेश द्वारा बल नहीं लगता है, तो टेस्ट चार्ज विद्युतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो एक बार और सुन लीजिए कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। टेस्ट चार्ज को हमने क्यू नोट से डिनोट किया। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। टेस्ट चार्ज इज ए स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। टेस्ट चार्ज किसी अन्य चार्ज पर बल नहीं लगाता है, जबकि अन्य चार्ज टेस्ट चार्ज पर बल लगाता है। तो अब इसमें आप जान गए कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी चार्ज के चारों ओर टेस्ट चार्ज को रखेंगे। यदि टेस्ट चार्ज दिए गए आवेश द्वारा बल का अनुभव करता है, यह टेस्ट चार्ज, तो यह टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। यदि यह टेस्ट चार्ज इस दिए गए चार्ज के कारण बल का अनुभव नहीं करता है, इसका मतलब टेस्ट चार्ज विद्युतीय क्षेत्र के बाहर होता है। तो अब हम कहेंगे यदि टेस्ट चार्ज दिए गए चार्ज द्वारा बल का अनुभव करता है, तो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। यदि टेस्ट चार्ज दिए गए चार्ज के कारण बल का अनुभव नहीं करता है, तो यह टेस्ट चार्ज विद्युतीय क्षेत्र में होता है। तो अब आप जान गए कि टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, टेस्ट चार्ज किसी अन्य चार्ज पर बल नहीं लगाता है, जबकि अन्य चार्ज टेस्ट चार्ज पर बल लगाता है। परंतु यह जान लीजिए कि टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति को बतलाता है। यदि टेस्ट चार्ज पर किसी क्षेत्र में बल लगता है, तो वह टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित होता है। यदि टेस्ट चार्ज पर किसी क्षेत्र द्वारा बल नहीं लगता है, तो वह टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है। अब आपको तो आप जान गए कि इस टेस्ट चार्ज को हिंदी में कहते हैं परीक्षा आवेश। तो आप जान गए कि इस परीक्षा आवेश को हम लोग किससे डिनोट किए, क्यू नोट से, या बहुत स्मॉल चार्ज होता है। अब आपको बतलाया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको बतलाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में कहते